गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए आई गुड न्यूज। जश्न में डूबे कांग्रेस के कार्यकर्ता। गुजरात चुनाव से पहले राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम राज्य में कांग्रेस की स्थिति का आकलन करने के लिए गुजरात पहुंच गई है। हालांकि किशोर के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व ने विशेष रूप से गुजरात के लिए काम करने के लिए राजनीतिक रणनीतिकार के साथ कम से कम दो दौरे की बातचीत की है, जहां पार्टी 1989 से सत्ता से बाहर है। गुजरात कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि प्रशांत किशोर के साथ कोई औपचारिक गठजोड़ नहीं है, लेकिन पार्टी उन्हें अपने साथ रखना चाहती है और केंद्रीय नेतृत्व बहुत जल्द इस मुद्दे पर फैसला करेगा। सूत्रों ने कहा कि प्रशांत किशोर ने गुजरात में अपनी टीम के शामिल होने के मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले दो हफ्तों के भीतर कई बार गांधी परिवार से मुलाकात की और पार्टी के साथ काम करने के बारे में बात की, लेकिन दोनों पक्ष इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की सेवाएं लेने के मुद्दे पर 24 मार्च को राहुल गांधी के साथ राज्य के पार्टी नेताओं की बैठक में चर्चा हुई थी। शुरुआती विफल होने के बाद से ही पर्दे के पीछे से वार्ता चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने इससे इनकार किया है। हालांकि पार्टी ने बिना किसी शर्त के पार्टी के लिए काम करने के लिए किशोर के एक करीबी सहयोगी से हाथ मिलाया था। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने राजनीतिक सलाहकार को पार्टी में शामिल होने से रोक दिया था, क्योंकि वह टिकट वितरण में एक प्रमुख भूमिका निभाना चाहते थे। सूत्रों ने IANS को बताया था कि कांग्रेस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर और पाटीदार नेता नरेश पटेल को भी लुभा रही है। गुजरात में कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि नरेश पटेल सौराष्ट्र क्षेत्र में पार्टी की जीत सुनिश्चित कर सकते हैं और प्रशांत किशोर पार्टी के लिए एक नैरेटिव और रणनीति बना सकते हैं।